हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। आप देख रहे हो एक मास्टर पॉइंट। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो अपने आईफोन में जो एप्लीकेशन आती है ट्रांसलेट करके, एक एप्लीकेशन आती है वाइड एप्पल आईफोन में, तो आप उसे यूज करना चाहते हो, कैसे करते हैं? तो सिंपली आपको करना है उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ट्रांसलेट एप्लीकेशन ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसलेट एप्लीकेशन ओपन होती है एंड यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके जो भी परमिशन मांगते हैं सिंपली उनको अलाउ कर देना है। एंड अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पर ये जो एक तरफ इंग्लिश देखने को मिल जाएगी और दूसरी तरफ आप जो भी चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पर, मतलब कि जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर आपको इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली जैसे कि यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके अंदर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपको और तो मैनी लैंग्वेज पर क्लिक करना है। तो इसमें कुछ इस तरीके से आपको लैंग्वेज कुछ ज़्यादा थिक नहीं रही है, तो यहाँ पर आपको क्या आना है इसमें से ही कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि चाइनीज़ का ऑप्शन मिल जाता है, वाईफाई से डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड लेटर कर देता हूँ। फिलहाल आपको क्या करना है, सिंपली आपको हेलो करके यहाँ पर सर्च करना है एंड जैसे आप गो कर दोगे तो यहाँ पर आपको इंटर टेक्स्ट एंड यहाँ पर आपको जर्मन में हेलो देखने को मिल जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी एंड यहाँ पर आपको ट्रांसलेट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वो नहीं है लैंग्वेजेस जो कि हिंदी एंड काफ़ी ज़्यादा, तो वो मेरे हिसाब से बेकार चीज़ एप्लीकेशन है ये, मेरे जहाँ तक ये ऑप्शन ही नहीं है। तो उसमें तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो एक हिसाब से अगर करना चाहो तो।